हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। आज हम लोग सितंबर मंथ का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये कुछ ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप्ड बाई CSIR एंड CMERI हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन दुर्गापुर। ओके, अब ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप्ड किया गया है CSIR, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड CMERI के द्वारा। ठीक है, अब ये CMERI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ इंस्टॉल्ड किया गया है? दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। हम लोग को ये नाम याद रखना है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है और इसको डेवलप्ड कौन कौन किया है। तो CSIR एंड CMERI ने मिलके इसको डेवलप किया है। ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये नाबार्ड अब होता क्या है? इसका फुल फॉर्म नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका फॉर्मेशन 1982 में हुआ था, और अभी इसके हेड जो हैं उनका नाम है हर्ष कुमार बनवाला। ओके, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, सिक्किम इज़ फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है? सिक्किम जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये हम लोग को नाम याद रखना है स्टेट का, ठीक है? एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो हम लोग को उसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अब चलिए हम लोग फोर्थ पे आते हैं, इंडियन बैंक अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट डैट इनेबल्स अ टोटली पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट। अब ये है क्या? पब्लिक सेक्टर जो बैंक है हमारा, उन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने लॉन्च किया है IBE नोट को। अब ये हेल्प क्या करेगा? ये IBE नोट जो है डैट इनेबल्स अ टोटली पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसमें होगा क्या कि टोटली पेपरलेस वर्किंग होगा। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि पेपर का यूज़ कम होगा, जिसके वजह से ये हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर बैंक ने लिया है। ओके, अब हम लोग चलिए फिफ्थ पे आते हैं, यहाँ हम लोग यूपी के बारे में बात करेंगे। यूपी में सितंबर मंथ में क्या इम्पोर्टेंट हुआ है? ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बना है? महाराजगंज में। ओके, ये नाम याद रखना है। और ये कहाँ, महाराजगंज कहाँ है? यूपी में है। फिल्म सिटी कहाँ बन रहा है? नोएडा में। यूपी का फिल्म सिटी नोएडा में बन रहा है। ओके, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? खुशीनगर में, और ये भी यूपी में है। तो ये तीन जो हैं नाम हम लोग को याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्चुअल ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में, फिल्म सिटी नोएडा में, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुशीनगर में। ओके, अब हम लोग सिक्स नंबर पे आते हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन हिमाचल प्रदेश। हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, और इसका इनॉग्रेशन कौन किया था? हमारे ऑनरेबल PM ने। और इसका लेंथ कितना है? 9.02 किलोमीटर। तो हम लोग को ये याद रखना है, ये इसका लंबाई पूछा जा सकता है। ये हॉर्स शू शेप का है और ये कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौर। ओके, इसको ट्रैवल करने के लिए टोटल 5 आवर्स लगते हैं, और ये कहाँ है? इन पीर पंजल रेंज। हम लोग को ये जो मैंने मार्क किया है रेड से, ये हम लोग को याद रखने हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेवेंथ नंबर पे आते हैं, NIN, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सेट अ न्यू स्टैंडर्ड वेट फॉर मेल एंड फीमेल। ये NIN है कहाँ पे? ये हैदराबाद में है, और इन्होंने नया स्टैंडर्ड वेट फॉर मेल एंड फीमेल को बनाया है। ओके, मेल का वेट नया कितना बनाया है? 65 kg, एंड फॉर फीमेल 55 kg। इससे पहले मेल का वेट का स्टैंडर्ड वेट था 55 kg एंड फॉर फीमेल 45 kg, बट अब चेंज कर दिया गया है और यही मेल का 65 और फीमेल का 55 हो गया है। ओके, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम लोग अगले पे आते हैं, एट नंबर। ओके, इसरो विल लॉन्च इट्स वेनस मिशन इन
2025 एंड फ्रांस विल पार्टिसिपेट इन दिस। तो इसरो तैयारी कर रहा है अपना वेनस मिशन को लॉन्च करने के लिए, और इन्होंने ये कब तक करेंगे, 2025 तक, और फ्रांस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ओके, इससे पहले इसरो ने मार्स मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मंगलयान मिशन, और मून के लिए था चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो हम लोगों को ये नाम याद रखने हैं। ओके, अब हम लोग 9th नंबर पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस एंटी पॉल्यूशन कैंपेन जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ओके, एंड ऑल्सो लॉन्चेस ग्रीन दिल्ली ऐप। अब ये हम लोगों ने जान लिया कि ये एंटी पॉल्यूशन कैंपेन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अब ये हो क्यों रहा है, ये बेसिकली स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। ओके, अब ये स्टबल बर्निंग क्या होता है, जब फार्मर फील्ड पे क्रॉप लगाता है, उसका जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, जब उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है तो वहाँ पे रिमेन्स कुछ बच जाता है। ओके, उसको हटाना होता है ताकि हम लोग दूसरा क्रॉप वहाँ पे लगा सकें, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है ये दोनों के बीच में कि और कोई मेथड फार्मर्स यूज़ कर सकें। अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया तो उन लोग का लॉस हो जाएगा। ओके, तो इन लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो रिमेंस रहता है उसको बर्न कर देते हैं। एक्चुअली इसका हटाने के लिए मशीन्स भी अवेलेबल हैं, बट वो ज़्यादा कॉस्टली हैं जिसके वजह से हमारे फार्मर उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो चीपेस्ट और अफोर्डेबल होता है मेथड जो इसको स्टबल को बर्न कर देते हैं, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बन जाता है। ओके, विंटर के टाइम पे 40% पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर जाता है, और ये कहाँ पे इंक्रीज़ करता है, पंजाब में, हरियाणा एंड यूपी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मिंग यही होती है। तो विंटर के टाइम पे देखा जाता है कि पंजाब, हरियाणा एंड यूपी साइड एकदम से पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, 40% इंक्रीज़ हो जाता है पॉल्यूशन लेवल, और ये क्यों होता है, सिर्फ स्टबल बर्निंग के कारण। तो इसी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। ओके, तो हमें ये नाम याद रखना है कैंपेन का, और इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो ग्रीन दिल्ली ऐप। ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हार्वे अल्टर, माइकल एंड चार्ल्स हैव बीन अवार्डेड द मेडिसिन नोबल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस। अब ये क्या क्या रहा है, हार्वे, माइकल और चार्ल्स को नोबल प्राइज मिला है, और ये क्यों मिला है, फॉर डिस्कवरिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड आर द फर्स्ट फोर कंट्रीज हैव सक्सेसफुली कंट्रोल द हेपेटाइटिस बी। ओके, वर्ल्ड का ये फोर फर्स्ट ऐसा कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और थाईलैंड, जिन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है किसको, हेपेटाइटिस बी वायरस को। ओके, अब लोग नेक्स्ट पे आते हैं 11th नंबर पे। क्वाड कंट्रीज इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया विल डिस्कस 5G। अभी हमारे एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्वाड कंट्रीज़ किसे कहते हैं। ओके, तो हम लोग के नाम याद रखना है, इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया को क्वाड कंट्रीज़ कहते हैं। ओके, और ये अब क्या करेंगे, ये चारों मिल के डिस्कस करेंगे 5G पे कि ये कैसे हम लोग को 5G लाना है वर्ल्ड में। ओके, तो ये था आज हमारा आज का सेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो।